हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आज का दिन है संडे का, तो सबसे पहले हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। और जो कि आज है संडे, तो सुबह में हम सभी लेट सोकर उठे हैं और हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। नाश्ता मैंने सिर्फ मनी के लिए बनाया था, तो मैंने उसे नाश्ता करा दिया है और लगे हाथ मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ लंच की। लंच में मैं आज बना रही हूँ सिंपल सा दाल और चावल। और ये जो कढ़ाई में तेल रखा है, इसे मैं अभी डब्बों में भर के कढ़ाई को धुलने के लिए निकालूंगी। और मनी का नाश्ता तो हो गया है, लेकिन अब मैं उसे ऑरेंज जूस बना के दे रही हूँ। लगभग एक घंटा हो गया है उसे नाश्ता किए हुए। और अगर आपके भी बच्चे छोटे हैं, तो दिन में कोशिश कीजिएगा कि उन्हें एक फ्रूट ज़रूर दें, जो भी आपके पास हो। वो बनाना पसंद करते हैं, ऑरेंज पसंद करते हैं, या एप्पल, जो भी, एक फ्रूट ज़रूर दिया कीजिए। मेरी बेटी को ऑरेंज बहुत पसंद है, लेकिन वो खाती नहीं है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अभी उसे खाना नहीं आता है। इसलिए मैं उसे ऑरेंज जूस बना के देती हूँ, जिसे वो आराम से पी लेती है। मुझे उसे पिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से ही पी लेती है। उसे ऑरेंज इतना पसंद है, तो बस अब मैं उसे ऑरेंज जूस दूंगी। और अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट। ये है एक ग्लास जग, जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया है। ये 1.1 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। लास्ट 2-3 ब्लॉक से आप इस जग को देख रहे होंगे। इस जग को मैंने फुल पानी से फिल करके रखा है और हाफ लेमन इसके अंदर निचोड़ के, इसका जो बाहर का छिलका होता है, इसे हमें फेंकना नहीं है। आप इसे इसके अंदर ही डिप कर दीजिए और लिड लगा दीजिए। और जहाँ से भी आप बार बार गुजरते हो, डाइनिंग हो या फिर आपका किचन हो, आप वहाँ पर इसे फिल करके रख लीजिए। और जब भी आप गुजरेंगे ना, तो आपको पानी पीने की याद आएगी, फिर बस एक गिलास पानी लीजिए और पी लीजिए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समर्स आ गए हैं, बहुत से लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है मेरी तरह। इससे लेमन है तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, पानी पी रहे हैं तो भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। दाल मेरी उबल गई है, तो अब मैं दाल को तड़का देने की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने प्याज को बारीक बारीक चॉप किया है, लहसुन चॉप किया है और हरी मिर्च। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें ऐड किया है जीरा, राई, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। अब हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। और साइड में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी धनिया रखी हुई है, ये मैंने पेपर में रैप करके रखी है। आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आप लोगों के पास बहुत सारा धनिया हो और आप लोगों को स्टोर करते नहीं बनता, तो आप धनिया को जो जड़ होती है उससे निकाल लीजिए और एक पेपर में अच्छे से रैप करके और फिर उसे पॉलीथिन के अंदर भर के रखिए, तो आपकी धनिया लंबे समय तक चलेगी और वो पीली नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हरी बनी रहेगी। और प्याज अच्छे से जब भुन जाएगी, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कुकर से टमाटर निकाल के डाले हैं। ये मैंने टमाटर दाल के उबलते टाइम ही मैंने दाल में ऐड किए थे। बस अब प्याज जब लाल लाल अच्छी भुन जाएगी, तो आपको वो टमाटर कुकर से निकालना है और प्याज में ऐड करना है, जो कि बॉयल है तो तुरंत ही मैश हो जाएंगे। और इसके बाद आपको हरा धनिया ऐड करना है और फिर दाल ऐड करनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी न्यू मैट्रेस। ये हमने रेडीमेड नहीं लिया है, इसे हमने ऑर्डर पे बनवाया है। इसके अंदर जो मटेरियल है वो है फाइबर, और इसके ऊपर का जो आप कपड़ा देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये भी हमने खुद ही चूज़ किया है। अगर आपको भी इस तरह की मैट्रेस पसंद है, तो आप अपने हिसाब से ऑर्डर पे बनवा सकते हैं अपने बेड के साइज़ के अकॉर्डिंग। और इसके ऊपर जो भी सिलाई होती है, लंबी लंबी हो या फिर आड़ी हो या फिर स्क्वायर शेप में हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बनवा सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है, तो भी आप इस तरह की मैट्रेस प्रेफर कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। घर के बाकी सारे काम तो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। मैंने मनी को भी नहला के तैयार कर दिया है, उसका खाना भी हो गया है, उसे मैंने जूस वगैरह भी दे दिया है। और अब इसके बाद टाइम आता है क्लीनिंग का। लास्ट 2-3 दिन से मैंने अपनी गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो आज मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। इसके लिए जो स्पंज होता है ना, जो बर्तन धोने वाला होता है, आप वो लीजिए। इसमें जो भी लिक्विड है बर्तन धोने वाला, आप वो ले लीजिए, थोड़ा सा गीला करके, और इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए।
लीजिए। इसके ऊपर जो भी गंदगी होती है आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आराम से साफ़ हो जाता है। और बस स्क्रबर से एक बार स्क्रब करने के बाद आप इसे गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर लीजिए। और एक बार साफ़ करने के बाद अब मैंने इसी कपड़े को दोबारा से अच्छे से धो लिया है और बस एक बार गीले कपड़े से हम इसे और अच्छे से साफ़ कर देंगे। बस फिर देखिए जो ग्लास स्टोव वाली जो गैस स्टोव होते हैं ये बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाते हैं और साफ़ होने के बाद एकदम चमकने लगते हैं। और ये देखिए मेरा गैस स्टोव भी एकदम शाइन कर रहा है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और साफ़ करने के बाद साइड में मेरा रखा हुआ है इंडक्शन, ये मेरा फ़िलिप्स का इंडक्शन है, मैंने इसे भी साफ़ कर लिया है। और उसके साथ ही मैं रखा हुआ है मेरा मिक्सर, मैंने इसे भी साफ़ कर दिया है। और काउंटर टॉप भी साफ़ कर लूँगी जिस स्पंज से, जिस स्क्रबर से अभी मैंने गैस साफ़ की है इसी में मैंने थोड़ा सा लिक्विड लेके अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बैक में जो भी टाइल्स वगैरह आपकी लगी हुई है, मेरे पास तो अभी ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है मेरे काउंटर टॉप में, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके छींटे आते हैं तो गंदा हो जाता है। और लगे हाथ अगर आप साफ करते रहते हैं ना तो आपका मार्बल या टाइल्स जो भी आपके किचन में लगाया हुआ है वो आपको कभी भी गंदा नहीं दिखेगा, ऐसे ही चमकता रहेगा। तो ये देखिए मेरा किचन तो एकदम साफ हो गया है। और किचन तो मेरा क्लीन हो गया है, लंच भी बनके तैयार है और अब हम सबको लगी है भूख, तो अब हम करेंगे लंच। इसके लिए मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ी सी सलाद। सलाद के लिए लिया है मैंने खीरा, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ पे जो बर्तन थोड़े से धुले हुए रखे थे वो बर्तन मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे शायद आप लोगों को मेरे किचन की सेटिंग थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, तो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं अभी अपने किचन में। और जो सबसे पहला चेंज है वो है ये ग्लास की शेल्फ जो मैंने विंडो के ऊपर लगवाई है। ये जो विंडो है ये मेरे काउंटर टॉप के ऊपर है और जहाँ ये विंडो खुलती है वो है मेरा यूटिलिटी एरिया, इसलिए मैं इस विंडो को कभी भी ओपन नहीं करती हूँ। और इसके ऊपर मैंने ग्लास की तीन शेल्फ लगाई है जो कि है 8 mm की। तो कैसा लगा आप लोगों को ये चेंज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस इसके बाद अब हम खाना खाएंगे। खाने में है दाल, चावल, सैलेड और ये खीर मैंने बनाई थी जो कि रखी हुई थी, इसे मैंने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा है। और बस अब मैं थाली लगा रही हूँ। मेरा लंच तो तैयार हो गया है और अभी मैं प्लेट वगैरह लगा के आई हूँ डाइनिंग में क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं लंच। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, पहले के ब्लॉग में मैंने आप लोगों का शेयर किया था कि मैं वैभव लक्ष्मी व्रत जो रहती हूँ उसका मुझे उद्यापन करना है और मैंने उसकी सारी तैयारियाँ भी की थी और उसके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी उसका ब्लॉग भी मैंने आप लोगों का शेयर किया था। और वैभव लक्ष्मी व्रत का जो उद्यापन है वो लास्ट फ्राइडे यानी 25 मार्च को मेरा हो भी गया है, लेकिन मैं उस दिन कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि
उस दिन अकेले के लिए मेरा इतना सारा काम हो गया था कि मतलब कैमरा ऑन करके और सब कुछ शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। लेकिन हाँ, ब्लॉग तो शूट नहीं हुआ, लेकिन उस दिन की कुछ छोटी छोटी क्लिप्स और फोटोज़ वगैरह हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं लंच लगा कर आई हूँ डाइनिंग टेबल पे, तो जब तक हम लोग लंच करेंगे आप लोग इन्जॉय कीजिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कुछ क्लिप्स और फोटोज़। और अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि अभी अभी मैंने अपने किचन में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो स्टील की शेल्फ देख रहे हैं, जो रैक देख रहे हैं, ये पहले मेरे काउंटर टॉप के ऊपर रखा हुआ था, जिसे मैंने एक माइक्रोवेव लेने के बाद हैंग करवा दिया। और ये जो आप स्टील का जो बर्तन रखने वाला स्टैंड देख रहे हैं, ये भी पहले हैंग था, फिर मैंने इसे अपने काउंटर टॉप पर रखवा दिया और अब मैंने इसे दोबारा हैंग करवा दिया है। और इस रैक का जो सबसे पहले वाला जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ है, इसमें मैंने दो कटलरी होल्डर रखे हैं, इसमें मैंने वो कटलरी रखी है जो कभी कभी यूज़ होती है। और इसके बाद दो कंटेनर हैं जो ऑयल कंटेनर है, और इसके बाद एक कैटल है जो अब कम यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसे ऊपर रख दिया है। माइक्रोवेव में अब कभी भी मुझे गर्म पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, तो मैं ग्लास में ही गर्म कर लेती हूँ माइक्रोवेव में। और इसके बाद ये जो बाउल रखे हैं, ये माइक्रोवेव के बाउल हैं। और इसके बाद ये जो ब्लू कलर की डायरी है, ये मेरी यूट्यूब वाली डायरी है, इसमें मैं प्लान करती हूँ कि मुझे क्या क्या वीडियोज़ वगैरह डालने हैं, वो सब मैं इसमें लिखती हूँ। और इसके ऊपर जो डायरी जो बुक रखी है वो माइक्रोवेव की है। तो ये होगा हमारी फर्स्ट टॉप वाली शेल्फ। और इसके बाद हम सेकंड में आते हैं, तो ये सेकंड शेल्फ में जो स्टील के आप ये जो दो टिफ़िन देख रहे हैं, इसमें मैंने घी रखा है जो मैंने बनाया है। इसके बाद ये तीन बास्केट हैं जिनमें मैंने किसी में चॉकलेट रखी है बिट्टू रानी की, किसी में कटलरी वगैरह रखी है, और जो चॉपर वगैरह हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और जो थर्ड वाली है, इसमें मैंने रखे हुए हैं ये आइसक्रीम वाले बाउल। पहले शायद आप लोग ने देखा होगा यहाँ पर सूप वाले बाउल रखे थे स्पून के साथ, क्योंकि ठंड थी तो उस टाइम सूप वगैरह मैं बनाती थी, तो सूप वाले बाउल मैंने रखे थे। और अब आ गई है समर, तो अब आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो अब इसलिए मैंने आइसक्रीम वाले बाउल निकाल के रखे हैं। और इसके बाद रखी है ये छोटी छोटी सी कांच की कटोरी जिसमें आप सॉस वगैरह सर्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो सामने की तरफ तीन जार रखे हैं और पीछे की तरफ, इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करती हूँ। और ये है मेरा टोस्टर जो कि अब मैंने बाहर निकाल लिया है, ये पहले ऊपर रखा था और अब मुझे इसका बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसे सामने रख लिया है। और इसके बाद जो ऊपर आप प्लास्टिक वाला बॉक्स देख रहे हैं, ये है मेरी मसाला दानी। और इसके नीचे जो स्टील का बॉक्स है, वो है मेरे बर्तन का बॉक्स। और इसके पीछे जो स्टील के तीन डब्बे रखे हुए हैं, इसमें एक में घी है और दो में ऑयल है। और सामने जो प्लास्टिक वाले बॉक्स हैं, इसमें शक्कर, नमक और चाय की पत्ती मैं रखती हूँ। और इसके नीचे ये जो आप रेड और ब्लू वाली बास्केट देख रहे हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें जो रेड वाली है, इसमें मैं किचन के कपड़े वगैरह धो के और सुखा के फोल्ड करके रखती हूँ। और जो ब्लू वाली बास्केट है, इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत सामान है तो वो आप रख सकते हैं। तो ये हो गई मेरी स्टील वाली फर्स्ट रैक। और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने खीले होते हैं इसमें छोटे छोटे, इन्हें मैंने हैंग किया है। इसमें मैं अपने बड़े बड़ी कटलरी वगैरह या तवे सॉस पैन वगैरह हैंग करती हूँ। और जो इसके नीचे है, और ये देखिए ये जो साइड में आप ये जो विंडो में देख रहे हैं ना, इसी तरह की एक मैंने इस स्टैंड में भी लगा के रखी है, जिसमें मैं छोटी छोटी ग्लासें होती हैं ना चाय वाली, वो लगा के रखती हूँ।
तो ये देखिए इस साइड की ये जो कटलरी थी और ये जो स्टैंड था ये सब कंप्लीट हो गया है। और अब हम आते हैं काउंटर टॉप के पास, तो इसके ऊपर मैंने लगा के रखा है स्टील वाला हैंगर, और इसके नीचे ये जो मैंने हैंग करके रखा है ये कप होल्डर है जिसे मैंने इसमें लगा दिया है। तो इसमें मेरे पूरे 6 कप और 2 कॉफ़ी मग भी आ गए हैं, तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो फैमिली कैसा लगा आप लोगों को मेरे किचन का नया लुक? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मैंने किचन में अपने जितने भी चेंजेस किए हैं वो सभी आपको अच्छे लगे होंगे। आप लोगों को इन चेंजेस में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फैमिली ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो छोटू सा बेल आइकन है ना उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय।